गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीए एजु हब ऑनलाइन क्लासेज क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का परिसंचरण तंत्र। इसमें हमने ब्लड है इसके संगठन पढ़ रहे थे, जिसमें से प्लाज्मा कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट था रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाओं में से आरबीसी, ये आरबीसी लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुकी थी। आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हीमोग्लोबिन जो होता है यह स्तनधारियों की आरबीसी में पाया जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी में पाया जाता है। इसके अलावा अन्य जो जीव है उनके अंदर ये अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की क्रोमोप्रोटीन होती है, एक प्रकार की क्रोमोप्रोटीन होती है जो श्वसन वर्णक का कार्य करती है, यानी कि ऑक्सीजन जो होती है उसको शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह एक प्रकार की संयुग्मी प्रोटीन होती है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है इसमें हिम समूह और दूसरा जो भाग है वो ग्लोबिन प्रोटीन। हिम समूह जो होता है ये वर्णक होता है और ग्लोबिन जो है ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है। अब यहां से रुधिर का जो रंग लाल होता है वो इस वर्णक की वजह से होता है। यहां पर बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो दो भागों से मिलकर बना है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो तो हिम समूह है जो कि वर्णक होता है और दूसरा पार्ट इसका होता है ग्लोबिन जो कि प्रोटीन है। अब यहां पर हीमोग्लोबिन का यदि एक अणु प्राप्त किया जाए, इसमें अणु की संख्या कितनी होगी यहां पर एक, तो हिम समूह के कितने अणु भाग लेंगे इसमें और ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है उसके कितने अणु इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक अणु हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हिम समूह के चार अणु और यहां से ग्लोबिन प्रोटीन का एक अणु मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। यहां से हिम समूह जो होता है इसमें आयरन आयन पाए जाते हैं, इसके अलावा इसके अंदर पोरफायरिन और फायरिन दो भाग होते हैं इसके, पोरफायरिन है और दूसरा होता है एफी आयन। अब मानव की यदि बात करें तो मानव के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी पोषक मात्रा, हीमोग्लोबिन की पोषक मात्रा पंद्रह ग्राम प्रति डेसीलीटर। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मानव जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन की पोषक मात्रा कितनी होती है, वैसे 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन में अभी श्वसन वर्णक की बात कर रहे थे,
इस अवसन वर्णक होता है, अर्थात हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और CO2 इनका परिवहन करता है। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है, लेकिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के कौन से भाग के साथ में मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करती है? यहां से आएगा, एक अणु हीमोग्लोबिन का जो होता है उसका निर्माण चार अणु हिम समूह हिम वर्णक और एक अणु ग्लोबिन प्रोटीन। ऑक्सीजन जो होती है वो जुड़ती है यहां पर हिम वर्णक के साथ। इनमें से भी ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? चार अणु। तो यहां से एक हीमोग्लोबिन के चार हिम समूह या हिम अणु से चार ऑक्सीजन के अणु मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाते हैं। और ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में O2 का परिवहन होता है, यानी कि पूरे शरीर में प्रत्येक कोशिका तक ये पहुंचती है। इसके बाद में आता है हीमोग्लोबिन का अपघटन। यानी कि RBC जो है वो जब कमजोर हो जाती है तो इसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जो है वो कौन कौन से भागों में टूटता है? हीमोग्लोबिन का अपघटन RBC जो है इसका संग्रह है वो प्लीहा में होता है। इस वजह से RBC का संग्रह प्लीहा में होने की वजह से प्लीहा को रक्त बैंक भी कहा जाता है। रक्त बैंक के नाम से कौन? प्लीहा। क्यों? क्योंकि इसमें RBC का संग्रह होता है। RBC जब कमजोर हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, मृत होती है, तो इसका अपघटन ये भी प्लीहा में ही होता है। इस वजह से प्लीहा को RBC का बुच्चड़ खाना या फिर कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहां से दो पार्ट है यहां पर। प्लीहा जो है वो रक्त बैंक भी कहलाता है क्योंकि उसके अंदर RBC का संग्रह रहता है। इसी के साथ में प्लीहा को बुचड़खाना या फिर कब्रिस्तान, RBC का बुचड़खाना या कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि RBC जब कमजोर या वृद्ध हो जाती है तो इसका अपघटन किसमें होता है? प्लीहा में होता है। हीमोग्लोबिन का जो अपघटन होगा, यहां से हीमोग्लोबिन जो होता है ये सबसे पहले तो बना किससे है? हिम समूह या हिम वर्णक और इसी के साथ में ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है ये तो एमिनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो अम्ल में बदल जाती है। हिम समूह जो है इसमें दो भाग आ गए, एक Fe+2 आयरन और दूसरा होता है पोरफायरिन। Fe जो है इसका यकृत में संग्रह कर लिया जाता है तथा बचा हुआ दूसरा जो पार्ट है ये ब्लीरुबिन और ब्लीवर्डिन नामक वर्णकों में बदल जाते हैं। ब्लीरुबिन व ब्लीवर्डिन वर्णकों में बदल जाता है। इस प्रकार से जो हीमोग्लोबिन है
वो टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।